के नाम से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसके अंदर हम ये नटी बार रखते हैं, और साथ में जो भी कस्टमर कहता है कि हमें ये फ्लेवर के वन बाइट चॉकलेट चाहिए, तो हम उसके हिसाब से वो चॉकलेट भी उसके अंदर इंक्लूड करके हम हैप्पीनेस बॉक्स बना के उनको देते हैं। मैं हाउसवाइफ ही हूँ, और हाउसवाइफ के होने के साथ साथ हम ये हमारा स्मॉल बिजनेस को भी हम मैंने रन करना स्टार्ट किया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कोविड के टाइम के बाद से जैसे मेरी बेटी ने और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे तरह तरह के डिफरेंट स्वीडिश और जैसे वन बाइट चॉकलेट और उस हिसाब से, फिर हमने सोचा कि क्यों ना चॉकलेट के अंदर पान को डाल के एक माउथ फ्रेशनर बनाया जाए। लाइक हमने सोचा कि क्यों ना कि बड़ों को तो पान पसंद है और बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो क्यों ना दोनों को मिला के कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो दोनों खा सकते हैं, और इसके अंदर ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जो सब खा सकते हैं, ऑल एजेस में खा, मतलब सब बड़े से लेके बच्चे तक भी इसको खा सकते हैं। जैसे ये वाली डेकोरेटिव बार हमारी अभी इतनी चल रही है, जैसे कोई उम्र पे से आता है और डिफरेंट डिफरेंट जैसे कोई किसी के सेलिब्रेशन है, जैसे बर्थडे हो गया, ग्रीटिंग्स हो गए, तो उस हिसाब से हमसे ये इस तरह के डेकोरेट बार बनवाते हैं। मेरे साथ मेरी बेटी हेल्प करती है, जैसे हम लोग का काम हमने जैसे साथ ही शुरू किया था तो हम साथ ही काम करते हैं, मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प करवाती है। चौकी प्लान है कि मैं सोशल मीडिया मैनेज करती हूँ और जो पिक्चर्स वो सब होता है, और मेकिंग में भी मैं हेल्प करती हूँ। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन लोगों का बहुत अच्छे से रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छे से वो लोग हमें मैसेजेस करके और रिस्पांस अपना बताते हैं कि बहुत अच्छी लगी आपकी चॉकलेट्स और उसका रिफ्रेशिंग, स्पेशली पान का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे सोशल मीडिया पे हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है चॉको प्लैनेट के नाम से, हमारे इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक के ऊपर भी हमारा पेज है, जो हम जहाँ से हम ऑर्डर भी प्लेस अप कर सकते हैं। हमने प्राइसेस बहुत इकोनॉमी रखी है कि सब खरीद सके, कोई किसी को एक्सपेंसिव ना लगे, ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदें।